नमस्कार। आज जिस पाठ का सारांश मैं आपके लिए करने जा रही हूँ, वह है भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। यह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के एक भाषण के कुछ अंश हैं और ये कक्षा 11 की अंतरा पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म काशी में हुआ था और उनका जो व्यक्तित्व था वो देश प्रेम से बहुत ज्यादा ओतप्रोत था। और उन्होंने जो किशोर अवस्था थी, बहुत ही छोटी अवस्था में उन्होंने अपने देश की दुर्दशा का अनुभव कर लिया था। तो इनकी जो रचनाएं हैं वह हैं वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती, श्री चंद्रावली, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी और नील देवी, पाखंड विडंबन, विजय धनंजय विजय, विद्या सुंदर आदि भी इनके बांग्ला नाटकों के अनुवाद हैं। और ये जो इनका भाषण है कि भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, इसमें मतलब इन्होंने एक तरफ से तो ब्रिटिश शासन की मनमानी बताई है, लेकिन दूसरी तरफ इन्होंने ब्रिटिश जो लोग थे उनका बहुत ज्यादा तारीफ की है, उनके अनुशासन प्रियता की। और कहा है कि हम भारतीयों की कमजोरी बताते हुए कहा है कि मतलब हमारे गलत जीवन शैली और हमारे अनुशासनहीनता ही हमारे विकास न होने का प्रमुख कारण है। भारतेंदु जी कहते हैं कि हम भारतीय बहुत ही ज्यादा मतलब हम भारतीयों का आलस्य और हम भारतीयों की जो अनुशासनहीनता है वही हमारे जीवन में हमारी विकास ना कर पाने का, हमारे भारत की दुर्दशा का मुख्य कारण है। भारतीय लोगों में बहुत सी क्षमताएं हैं, लेकिन भारतीयों को वह क्षमताएं याद दिलाने की जरूरत है। अब उन्हें याद कौन दिलाए, क्योंकि जो अंग्रेज लोग हैं जो कि अनुशासन प्रिय हैं और बहुत अपनी इसी जो खासियत की वजह से वे आज भारत के ऊपर राज कर रहे हैं। तो भारतेंदु जी का मानना है कि वे क्यों सिखाएंगे, क्योंकि वे तो खुद मतलब उन चीजों को भोग रहे हैं। अपनी अच्छी जो उनके गुण हैं उनकी वजह से उन्हें उन्होंने जो कुछ प्राप्त किया है उसे वे खुद भोग करेंगे, ना कि दूसरों को सिखाने में दिलचस्पी लेंगे। और वैसे भी वो भारतीयों को क्यों सिखाएंगे। आगे लेखक कहते हैं कि अभी जो समय चल रहा है वह ऐसा है कि मतलब सब एक तरह की दौड़ में शामिल हैं। उन्नति और प्रगति की दौड़ चल रही है जैसे लोगों के बीच में, और सभी उसमें शामिल हैं। और चाहे वे अमेरिकन हो, अंग्रेज हो, फ्रांसीसी हो, तुर्की हो, सब मतलब एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, उन्नति की दौड़ में। और सबको यही है कि सबसे पहले हम उन्नत मतलब हमारे देश को सबसे ज्यादा उन्नत बना लें। और उस समय जो हम लोग हैं हिंदू हिंदुस्तानी, वो अपने आलस्य और अपने आराम में जो है अपना समय जो है व्यर्थ गंवा रहे हैं। और लेखक आगे कहते हैं कि इस समय जो पीछे रह जाएगा वह हमेशा के लिए पीछे छूट जाएगा, क्योंकि इस समय जो पूरा संसार है वो एक ही दौड़ में आगे बढ़ता जा रहा है। तो आगे भारतेंदु जी कहते हैं कि उनके कुछ मित्रों पर कहने के कहने के उनके कुछ मित्रों के कहने की वजह से ही आज वे इस भाषण को यहाँ पर खड़े होकर बोल रहे हैं। और मतलब आगे वे कहते हैं कि हमें मतलब एक तो पहले से ही मनुष्य जन्म इतना बड़े दुर्लभ से मिला है, और मतलब इतना कुछ पाकर भी अगर हम जो है अपने आप को विकसित ना कर सकें और अपने समय का सदुपयोग ना कर सकें, तो फिर इससे बड़ी आत्महत्या और क्या हो सकती है। क्योंकि मनुष्य योनि देखे कहा जाता है कि बड़ी ही मुश्किल से मिलती है, और आप उसका अगर जीवन में रहते हुए सदुपयोग ना कर सकें तो फिर आपका जीवन व्यर्थ है। अंग्रेजों की अनुशासन प्रियता देख के, अंग्रेजों का समय का सदुपयोग देख के, उनकी उनके इस प्रकार के सभी गुण देख के, माना कि उनमें दुर्गुण है लेकिन उनमें बहुत सारे गुण है, लेकिन अगर उनके हम उनकी संगत में रहकर, अभी वे हमारे देश में हैं और अभी अगर हम उन्हें देखकर इन चीजों में सुधार नहीं कर सकते, अपनी अपने अंदर उनके कुछ गुण समाहित नहीं कर सकते, तो फिर वे तो अपने देश लौट जाएंगे। आखिर तो उनको एक दिन जाना है, तो उसके बाद क्या करेंगे जब हम उनके साथ रहकर इस तरह के गुणों को उनसे नहीं ले सक रहे हैं। आगे लेखक कहते हैं कि जब भी इस तरह की बातें चलती हैं तो लोग कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमें तो पेट भरने से ही फुर्सत नहीं है, पेट को मतलब अपने पेट भरने जितना कमाने से भी फुर्सत नहीं है। और जो पढ़े लिखे लोग हैं ये तो उनके चोचले हैं, लेकिन लेखक कहते हैं कि विदेशों में भी इस तरह के लोग पाए जाते हैं, वहां भी किसान है, वहां भी कोचवान है, वहां भी मतलब कहने का मतलब कि निचले दर्जे के लोग वहां भी हैं, लेकिन
वहाँ के लोग जितना भी समय मिलता है, चाहे वहाँ गाड़ी का कोचवान भी है तो वह समय मतलब रोज अखबार पढ़ता है, और कहने का मतलब वह अपने ज्ञान को बनाए रखने की कोशिश करता है। लेकिन हमारे यहाँ पर जब भी खाली समय मिलेगा तो हिंदुस्तानी लोग जो हैं वो गप मारने में ज्यादा बेहतर समझते हैं अपने समय का व्यय करना। आगे लेखक कहते हैं कि यह दिनों दिन ये रिपोर्ट देखने में आती रहती है रोज रोज की। मनुष्य यानी कि कहने का मतलब जनसंख्या तो रोज बढ़ती जा रही है और जनसंख्या के अनुपात में धन की वृद्धि नहीं हो पा रही है देश के अंदर। तो वे कहते हैं कि हम सोचते हैं कि हम रुपया और ज्यादा मतलब धन और ज्यादा बनाना शुरू कर दें, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा, बल्कि हमें अपनी बुद्धि से उस धन को बढ़ाना पड़ेगा। भारतीयों में आलस्य का इतना ज्यादा प्रधानता हो गई है कि मलुकदास जी ने तो दोहा ही बना डाला है कि अजगर करे न काजरी पन अजगर सॉरी अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। यानी कि अजगर कभी किसी की नौकरी नहीं करता और ना ही पंछी उन्मुक्त गगन में उड़ने का काम है उसका, मजे करने का काम है, कोई काम नहीं करता है वह। और इसीलिए मलुकदास जी कह गए हैं कि सबको जो है मतलब सबके पालनहार तो केवल राम है, लेकिन देखिए बिना मेहनत तो कोई भी अपना पेट नहीं भर सकता है। हाँ, ईश्वर भी उसकी मदद करता है जो स्वयं अपनी मेहनत करता है। आगे लेखक बोलते हैं कि जब पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया था तो चंद्र जो चंद्र कवि थे उनके राजकवि थे उन्हें भी उनके साथ बंदी बनाया गया था। और जब उन्हें उनके एक हूं पर बादशाह के एक हूं पर ही उन्हें शब्द भेदी बाण चलाना था पृथ्वीराज चौहान को, तो पृथ्वीराज चौहान ने ये चंद्र चंद्र कवि ने अपने बुद्धि का प्रयोग करते हुए ऐसा एक दोहा बोला जिसके अंदर मतलब आगे से हूं आनी थी, और जैसे ही सुल्तान ने हूं बोला तो पृथ्वीराज चौहान ने दिशा पहचान कर उसका उसी समय वध कर दिया। आगे लेखक कहते हैं कि जो लोग अगर आप अपने आप को देश हितैषी मानते हो तो अपने इस सुख को इस आलस्य को इस सोने की आदत को होम करके यानी कि उसका त्याग करके और अपने धन और मान का बलिदान करके आप अपने देश के विकास के लिए उठो, तो अगर हम उठेंगे तो बाकी सब लोग भी अपने आप उठ जाएंगे। और अपनी अपने अंदर जो अपनी जो कमियां रह गई हैं उनको खोजो। कभी तो हम धर्म की आड़ लेते हैं, कभी देश की चाल की आड़ लेते हैं, हम कहते हैं कि स्थितियां ही ऐसी हैं हम क्या करें, कभी हम कहते हैं कि ठीक है हमारे पास सब कुछ है हमें क्या जरूरत है कुछ भी करने की। तो लेखक के कहने का मतलब है कि इन सब बहानों को छोड़कर हमें अब बाहर निकलकर और अपने बारे में सोचना होगा, इन सारी सीमाओं से बाहर निकलना होगा। आगे लेखक कहते हैं कि धर्म की उन्नति हुए बिना और क्षेत्रों में व्यक्ति उन्नति नहीं कर सकता, इसलिए धर्म की उन्नति बहुत जरूरी है इसका, क्योंकि धर्म जो है वह लोगों को पास लाता है। धर्म का असली मायना यही है कि वह लोगों को एकजुट कर देता है। तो आगे जैसे मतलब इसके अंदर उदाहरण देते हुए लेखक बोलते हैं कि जैसे जिस मेले में लेखक ये भाषण दे रहे थे उसके बारे में बोलते हैं कि अभी यहाँ बलिया का मेला है, यहाँ पर जगह जगह से लोग आए हुए हैं और सभी जगह से लोग भरे हुए हैं। तो कहते हैं कि यहाँ जो स्नान बना हुआ है मतलब यहाँ जो स्नान का जो आयोजन किया जाता है इस मेले में, वह इसलिए होता है कि जो लोग कभी आपस में नहीं मिलते वो लोग दूर दूर से आकर साल में एक बार यहाँ पर इकट्ठा होकर आपस में मिलते हैं और अपने विचारों का आदान प्रदान भी करते हैं। और एकादशी का व्रत इसलिए रखा जाता है ताकि उपवास से शरीर जो है उसकी शुद्धि हो जाए, और हम जो कुछ भी मतलब हम गलत सलत जो भी खा लेते हैं उसके उससे उससे हमारा पूरा जो पेट है उसकी शुद्धि हो जाती है, यहाँ तक कि आत्मा की भी शुद्धि हो जाती है क्योंकि अध्यात्म भी उसमें शामिल होता है। आगे लेखक कहते हैं कि त्योहार तो एक तरह की आप मान लो कि म्यूनिसपैलिटी है, क्योंकि दिवाली जो है वह इसलिए उसका प्रयोजन यह है कि एक बार साल में बहुत अच्छी घर की सफाई हो जाए। होली होती है कि जब बसंत की हवा चल रही है और वहां पर जगह जगह अग्नि जलाने से जो है वातावरण जो है वह स्वच्छ हो जाए। तो इस तरह से वे कहते हैं कि हर एक त्योहार का कोई ना कोई प्रयोजन होता है। और आगे कहते हैं कि आगे लेखक कहते हैं कि इस तरह से आगे लेखक कहते हैं कि बाल विवाह का विरोध करते हुए लेखक कहते हैं कि आप बच्चों को छोटी छोटी उम्र में
उनकी जिंदगी बर्बाद मत करिए, उनके माँ बाप बनिए ना कि उनके दुश्मन, क्योंकि छोटी उम्र में विवाह हो जाने से उनको शारीरिक और जो है शारीरिक उनकी जो स्थितियां हैं उनमें बहुत प्रभाव पड़ता है, और साथ ही साथ उनके जो विकास है जीवन के और क्षेत्रों में वह भी अवरुद्ध हो जाता है। आगे वे कहते हैं कि कन्या शिक्षा से उनका मतलब ये नहीं है कि आप लड़कियों को केवल कोरी किताबी शिक्षा दें, बल्कि उन्हें जीवन के सभी पहलुओं की शिक्षा दें, उन्हें अपने पति का आदर करना सिखाएं, उन्हें अपना जो है जीवन में कैसे उनको अपने घर को और अपने मतलब सारे कुल को लेकर चलना है वह सिखाया जाए उनको। फिर हिंदू मुस्लिम, क्योंकि मुसलमान भाई भी हमारे ही हिंदुस्तान में रहते हैं, तो उन्हें भी अपने आप को और हिंदुओं को जो है आपस में भाई भाई समझकर व्यवहार करना चाहिए, ना कि एक दूसरे को नीचा समझना चाहिए, और भाई भाई जैसा इन दोनों में बर्ताव होना चाहिए। और जब जैसे मान लीजिए घर में आग लग गई, तो जेठानी देवरानी सास वगैरह कितनी भी लड़ाई करें ना, लेकिन जब मान लीजिए घर में आग लगी या कोई नुकसान वाली स्थिति आ जाती है, तो पूरा परिवार एक साथ एकजुट होकर उस समय हो जाता है, इसीलिए हम परिवार का महत्व तो बताते हैं। तो इसी प्रकार से भारतेंदु जी कहते हैं कि ये देश की एक परिवार है, तो अगर भारत पे कोई मतलब विकट स्थिति आती है, तो उस समय हम ये नहीं सोचते हैं कि ये हिंदू है या ये मुसलमान है, बल्कि सब एकत्र होकर एकजुट होकर उस मुसीबत को दूर हटाने का प्रयत्न करते हैं। लड़कों को रोजगार संबंधी शिक्षा दी जानी चाहिए, विदेश जाने से को लेकर जिस प्रकार की भ्रांतियां हैं धर्म भ्रष्ट वगैरह होने की, उन्हें हटा दो साइड में, और लड़कों को जो है विलायत भेजने के लिए, बाहर भेजने के लिए प्रोत्साहित करो। आगे लेखक कहते हैं कि हमें जो है सभी मतलब अलग अलग धर्मों के प्रति ये सोचकर कि ये बंगाली है, ये पंजाबी है, ये मद्रासी है, या ये जैन मतलब ब्राह्मण वगैरह है, तो इस सब विचारों को छोड़कर एकजुट होकर हमें प्रयत्न करना चाहिए आगे बढ़ने की, और हर हिंदू को दूसरे हिंदू की सहायता मतलब हिंदुस्तानी को दूसरे हिंदुस्तानी की सहायता करनी चाहिए, जिसमें हमारा विकास है हमें वह काम करना चाहिए, और हमें ये देखना चाहिए कि हम ऐसा नहीं है कि ठीक है हम कारीगरी के अंदर आगे बढ़ें और जिससे ऐसा काम करें जिससे हमारा रुपया हमारे ही देश में रहे। तो वे कहते हैं कि जैसे आज जो है बाहर के देश हैं अपना रुपया जो है वो बाहर लेकर जा रहे हैं, यहाँ से कमा कमा कर वे अमीर होते जा रहे हैं, तो क्यों? क्योंकि हम भारतीयों की उन्होंने कमजोरियां पकड़ रखी हैं। वे कहते हैं कि भारतीयों को सिर से पांव तक अपने आप को दोबारा से देखने की जरूरत है। आज हम जितनी चीजें इस्तेमाल करते हैं उनमें से आधी से अधिकतर विदेशी हैं, तो हमें ये अगर बहुत शर्म की बात है अगर हम अपने इस्तेमाल की चीजें भी अपने अपने देश में खुद पैदा नहीं कर सकते या खुद बना नहीं सकते। तो वह कहते हैं कि अब नींद से उठना चाहिए और देश की सब प्रकार से उन्नति करने में अपना योगदान देना चाहिए। वैसी किताबें पढ़ें जिसमें अपनी भलाई हो, वैसे खेल खेलें जिनसे मतलब हमें अच्छी भावनाएं आए, हमें मेल मिलाप बढ़े, इस प्रकार की बातचीत हमें कर विदेशी और परदेशी लोगों का और उनकी भाषा का और उनके रहन सहन का हमें अनुकरण नहीं करना चाहिए। तो वे कहते हैं कि अपने देश में अपनी ही भाषा यानी कि हिंदी हमारी मातृभाषा की उन्नति करने का हमें सारे प्रयास करने चाहिए। धन्यवाद।